हे एवरीवन, दिस इज एसके चौधरी फ्रॉम एसकेसी लाइव। अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग बात करने वाले हैं 68th बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग को लेकर के हुआ जो बड़ा बदलाव है। विद्यार्थियों, बीपीएससी ने दो बातें स्पष्ट करी, ऑप्शन नंबर ई रहेगा और नेगेटिव मार्किंग में कोई उसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम से लागू हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग में एक बदलाव किया गया है कि विद्यार्थियों को तीन विकल्प दिए गए, उसमें से आपको एक विकल्प को चूज करना है, चुनना है। और ये विकल्प इस प्रकार से है जो मैं आगे के स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ। ये विकल्प इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई 1/3 क्वेश्चंस जो होंगे इंटायर दी पेपर, यानी कि 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वेश्चन टफ होगा, और टफ होगा हर सही उत्तर करने पे आपको वहां पे 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल उसमें 100 मार्क्स होगा, और इधर से 100 मार्क्स होंगे जो 100 क्वेश्चंस बच जाएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन 2 नंबर मिलेगा सही उत्तर करने पे, और उधर हर क्वेश्चन एक एक नंबर करेंगे 100 क्वेश्चन। और जो 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे स्टूडेंट 1/3 ऑफ द पेपर, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगा। नेगेटिव मार्किंग पे ये बोला जा रहा है कि सही करने पे 2 नंबर मिलेगा, और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसमें -1 सेकेंड पार्ट जो उसका वो कट जाएगा, यानी कि 1/2 हिस्सा उसके मार्क्स कटेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर सही उत्तर करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो उसमें आधा नंबर काट लिए जाएंगे, 1 नंबर माइनस हो जाएगा। हाँ, यानी कि प्रत्येक 2 गलती पे आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो एक बोल रहा है कि ये वाला नियम लागू करें, कि दूसरा विकल्प फिर यहीं पे दिया हुआ है कि आपके जो मार्क्स होंगे सही उत्तर के लिए उसमें 1 मार्क्स दे, और जो माइनस मार्किंग होगा वो 1/4 कर दे। इसका मतलब है कि 1 नंबर मिलेगा सही उत्तर करने पर, और गलत करते हैं तो 1/4 से आपका माइनस होगा, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो पहला क्या आप देख रहे हैं, पहला में बोला जा रहा है कि सही करने पे 2 नंबर मिलेगा और गलत करने पे 1 नंबर कट होंगे। हाँ, तो वहां पे 50% का माइनस मार्किंग हो रहा है, मतलब 50% का इश्यू जा रहा है, और ये 50 क्वेश्चंस पे ही लागू हो रहा है वहां पे। ये जो सेकंड पार्ट है वहां पे भी लिखा हुआ है कि एज अबव, जैसे ऊपर में 150 में से 50+1/3 टफ क्वेश्चन, वैसे दूसरे में भी कि वो भी टफ क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन, लेकिन वहां पे हम लोग 1 नंबर सही पे देंगे और 1/4 मार्क्स आपको माइनस मार्किंग करेंगे। तो दोनों नियम आप समझ चुके होंगे। तीसरा है नेगेटिव मार्किंग शुड बी फॉर्मली ऑन दी 150 क्वेश्चंस। दूसरा है, तीसरा विकल्प है कि 150 प्रश्न में इंटायर क्वेश्चंस पूरे पेपर में सब जगह नेगेटिव मार्किंग लगा दिया जाए, करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स मिलेगा और माइनस मार्किंग 1/4 से होगा। तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से आप तीसरा विकल्प से अग्री करोगे, क्योंकि क्वेश्चन 50 जो टफ रहेगा ना, वो बेसिकली मुझे लगता है टफ करने के चक्कर में वो यूपीएससी के क्वेश्चन डाल देंगे, और यूपीएससी का क्वेश्चन डाल देगा तो बच्चा वही कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बाहर के बच्चे आकर के अच्छा अच्छा कॉम्पीट कर लेंगे आपसे जो बीपीएससी के नहीं है। तो उस चीज को, और मुझे लगता है कि अगर उनको नेगेटिव मार्किंग करना है और आप सब भी विकल्प के तौर पे चूज करते हैं, तो तीसरा पॉइंट जरूरी है, यहाँ पे आप इंटायर पेपर 1/4 के माइनस मार्किंग के साथ 1 मार्क्स करेक्ट आंसर पे रखेंगे। तो यही विचार है, यही मंतव्य आपसे मांगा गया है। वहां पे तीनों विकल्प होंगे, आपको उसमें टिक लगाना होगा कि आप क्या देते हैं। फिर बीपीएससी क्या करेगी कि जो बच्चे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे बीपीएससी उसी नियम को लागू करेगी एग्जाम में। ओके, तो यही था नोटिफिकेशन के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में। इस जानकारी के लिए आप सबसे जुड़ा था मैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू बीइंग इन दिस सेशन, टू वाचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।